शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधान परिषद विधायक नगर सेवक प्रवीण दटके द्वारा नगर रचना विभाग के अधिकारी प्रमोद गावंडे को गाली गलौज करने का मामला सामने आया है, जिसका विरोध करते हुए एनएमसी कर्मचारियों द्वारा कलमबंद आंदोलन किया गया। इस मामले में सभी कर्मचारियों ने मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे और सहायुक्त राम जोशी को भी प्रवीण दटके के खिलाफ निवेदन दिया। यह पहली बार नहीं है कि लोक प्रतिनिधि की ओर से अधिकारियों के बीच टकराव हुआ हो। 5 दिन चले आम सभा में भी लोक प्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच दूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। सभी नगर सेवकों का कहना था कि जब से आयुक्त तुकाराम मुंडे आए हैं, तब से ही अधिकारी भी खुद को मुंडे समझने लगे हैं। अब यह देखना होगा कि सोमवार के दिन हुआ यह मामला क्या मोड़ लेता है। प्रमोद गावंडे, सहायक संचालक नगर रचना विभाग नागपुर, प्रवीणजी दटके जे इथले माजी महापौर आले आणि सध्या विद्यमान अध्यक्ष आहे, यांनी फोनवरती शिवीगाळ केली। ऑफिसमध्ये सुद्धा ते आले आणि शिवीगाळ केली। ह्या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि आज सर्व अधिकारी कर्मचारी लेखनीबंद आंदोलन करीत आहे। भविष्यात असा प्रकार झाला तर बेमुदत आंदोलन केले जाईल। आम्ही महापौरांना आताच भेटलो, त्यांना निवेदन दिलं आणि आमच्या भावना सांगितल्या कि सध्या देशामध्ये कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आहे आणि सर्व कर्मचारी अधिकारी दिवस रात्र एक करून आपली सेवा देत आहे। अशा वेळेस जनप्रतिनिधींनी मनोबल वाढवण्याचं काम करण्यापेक्षा मनोबल खच्ची करण्याचं काम करत असेल, त्याचा आम्ही विरोध केलेला आहे। मी सुरेंद्र टिंगणे, राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचा अध्यक्ष। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।